सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने नारियल की चटनी तो खाई होगी। आज मम्मी आपको एक अलग तरीके की नारियल की चटनी, या हम बोले मूंगफली की चटनी, बनानी सिखा रही है। तो देखते हैं कैसे वो चटनी बनाई जाएगी। नमस्कार। आपने चटनी तो कई तरह से ही खाई होंगी, पर मैं आज आपको व्रत के लिए एक चटनी बताने जा रही हूँ जो कि व्रत में खाई जाती है। ये मैंने एक कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं, इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये जैसे व्रत में हम कभी पूड़ी पकौड़ी खाते हैं तो उसके साथ कुछ अलग सा खाने का मन होता है, तो ये चटनी उसके लिए बहुत अच्छी है। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे मूंगफली को। इसमें मम्मी ने तेल घी कुछ नहीं डाला है, खाली ऐसे ही भून रही हैं। हमारी पूरी अच्छी तरह से भून चुकी है। ऐसे आपको थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं, ऐसे आपको करना है। अब हम इसको निकालेंगे। आपको एक बड़ी प्लेट में इसको निकाल लेना है, क्योंकि ये ये अभी थोड़ा थोड़ी सी ठंडा होगा। 5 से 10 मिनट में थोड़ी सी हल्की सी गुनगुनी हो जाएंगी जब हम इसे पीसेंगे। और ये मैंने एक कटोरी पानी वाला नारियल लिया घिसा हुआ, इसमें 2 हरी मिर्चें काटी है मैंने, और ये है 1 चम्मच इमली का गुद्दा। इसके मैंने बीज निकाल लिए थे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ढक लिया जिससे सॉफ्ट हो गया थोड़ा सा। ये इमली का गुद्दा है। और ये है 1 चम्मच सेंधा नमक। इन सबको अभी मैं मिक्सर जार में डाल के इन्हें सबको पीस लूंगी। और ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है, आप इसको व्रत में आराम से खा सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं जब ये हम चटनी पीस लेंगे। देखिए, ये हमने चटनी पीस ली है। इसमें मैंने चटनी को पीसते हुए इसमें ये वाली आधी कटोरी पानी डाला था, क्योंकि इसमें नारियल भी है मूंगफली भी है, तो इसमें इसको इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, ये तो ये आपको पीसने में दिक्कत करेगी। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है चटनी। हम इसमें 2 लाल मिर्च का छौंक लगा रहे हैं, इससे इसका स्वाद और बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, ये जो चटनी आज हमने बनाई है, ये स्पेशली व्रतों के लिए है, तो आप इसको व्रत में बना के रख सकते हैं। ये आपके आराम से 3-4 दिन आराम से चल जाएगी, आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी ये बनाना और बताना कि आपको ये चटनी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।